हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस एग्ज़ाम का पेपर था पहली शिफ्ट का, तो उसी पहली शिफ्ट की हम आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं आज के पेपर की आंसर की। तो पहला क्वेश्चन जीएस का, हम स्पेशली यहाँ पर जीएस की ही बात कर रहे हैं। तो जीएस में अगर देखा जाए तो जीएस में द स्कारलेट लेटर किसने लिखा, तो नथानियल हॉथोर्न द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अगला, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, तो ये स्नैपचैट में है, ऑप्शन ए। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है, ये कांचीपुरम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है, यह है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, तो ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, तो वैसे तो इसका नाम जो है वो है मैगेनॉट रेखा, लेकिन मैगेनॉट रेखा यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिगफ्रिड लाइन। तो सिगफ्रिड लाइन आपको याद, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ये यूरेनियम आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अमित शाह। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये अगर देखा जाए ये हुई थी 1885 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में स्थित है, जुहू में। वैसे तो इसका आंसर इलाहाबाद भी अगर होता तो ऑप्शन में हमारा इलाहाबाद होता, लेकिन इसका आंसर बॉम्बे मुंबई है। नेक्स्ट है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 लाख रुपये। नेक्स्ट अगला, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इमेज फिशिंग। नेक्स्ट है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जागरेब, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा सी इसका राइट आंसर है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया बी इसका राइट आंसर है, भूटान। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गूगल अगर देखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, तो इसके गवर्नर थे ऑप्शन सी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी शॉर्ट में अगर नाम होता तो आंसर हो जाता आपका CD देशमुख, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए हमारा ऑप्शन को बड़ा करके लिख दिया है, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है,
तो ऑप्शन ए इसका भाग चार। नेक्स्ट है, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण वायु के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये अगर देखा जाए क्रिकेट से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों का नाम क्या है? लंबी नदी का नाम क्या है? तो लंबी नदी अगर देखा जाए तो यह है गोदावरी, यानी ऑप्शन ए, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये युवाओं के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1985 को युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो ऑप्शन बी गुणात्मक। नेक्स्ट है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो साइबर स्टॉकिंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार ये आई थी जुलाई 2000 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये 2006 में प्रतिस्थापित किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 2006। नेक्स्ट है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रश कुक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो पाकिस्तान के खिलाफ मांग की है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र अगर देखा जाए वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है? तो इसका आंसर है लखनऊ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह है ऑप्शन ए अगर देखा जाए इसका राइट आंसर, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो गाइस ये थे हमारे GS की आंसर की, जल्दी आपको इसकी हिंदी और मैथ और रीजनिंग की आंसर की भी मिल जाएगी, और इसके अलावा हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से अगर देखा जाए एग्ज़ाम का पैटर्न आया है, आप उसी हिसाब से करंट के क्वेश्चन और पर्यावरण हो गया, इसके अलावा हमारा भारत का भूगोल, महाद्वीप, इकनॉमी, इस तरह से अगर हमारे सिलेक्टेड पोर्शन है वहाँ से अगर जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। तो गाइस ये वीडियो जिनका एग्ज़ाम है आप अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं, इसके अलावा जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है तो उनके लिए हमारी आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी, तो इसीलिए वीडियो को देखें। और अगर देखा जाए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।